आज हम लोग जा रहे हैं ये वाली दूसरे साइड, कॉलेज के दूसरे साइड। पहले हम जाते थे वहाँ से। गाइस कमेंट करो क्या कहते हैं इसे, तो ये उसका पेड़। ये हमारे उत्तराखंड का वो है, जैसे काफल है वैसे किनमौड़े भी एक लोकल फ्रूट है। ये देखो यहाँ एक छोटी सी दुकान है जिसके अंदर कुछ लकड़ी का सामान है। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अगेन दोबारा सुबह सुबह से। आज है मेरा एग्ज़ाम अगेन, और या आज ऑफिस से फिर से मैंने ली है लीव। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि पेपर 1 बजे से शुरू होता है, 1 से 4 बजे तक आई है। हाँ 1 से 4 बजे तक शुरू होता है। तो आज का ब्लॉग कॉलेज का ही बनेगा शायद, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊँगी। सो या बस मैंने सोचा एक बार घुमा दूँ एरिया। कल रात की बारिश हुई थोड़ी, आज पता नहीं क्या हो रहा है गली में मेरी खरास। तो कल सुबह बारिश हो रही थी तो आप देख सकते हैं पूरा गीला हो रखा है खेत वगैरह, और धूप भी निकली है। मतलब पिथौरागढ़ मतलब पहाड़ वाले इलाके में ना ऐसा होता है ना कि धूप निकल रही है लेकिन वो धूप चुभने वाली नहीं होती। मतलब एक होता है ना कि धूप लग रही है भाई, पूरा जलन हो रहा है शरीर में, इतनी हीट हो रही है, पसीना अलग हो रहा है। तो वैसी धूप पिथौरागढ़ में नहीं लगती है, पिथौरागढ़ में कहती पूरे पहाड़ों में नहीं लगती है क्योंकि आसपास पेड़ पौधे होते हैं, बारिश होती रहती है तो वो कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो या हमारा खेत भी होने को है पूरा, देखो कितना गीला हो रखा है। सो मम्मी इधर है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मम्मी बना रही हैं रोटी नाश्ता। पता है जो जैसे आटा ना रात को गूंथ के रख दो और सुबह वो जो हल्का सा नरम हो जाता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम बासी आटा की बदबू आ रही है उससे, नहीं हल्का हल्का नरम हो जाता है वो वाली रोटी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, उसमें घी लगा के उसको चाय के साथ खाऊँ ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को भी बहुत पसंद है, पापा को भी बहुत पसंद है, भाई को पसंद नहीं है, मम्मी को भी पसंद नहीं है ना, मम्मी को भी पसंद नहीं है। हाँ पापा और मेरे को बहुत पसंद है रोटी। तो आज मम्मी ने फिर से भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है। सो ये है भिंडी की सब्जी और ये है रोटी, ये है गीली वाली रोटी। नहीं नहीं आज तो छुट्टी लिया मैंने, क्यों पेपर है ना, पेपर है 1 बजे से। पड़ेगा नहीं नहीं बस ब्रेकफास्ट कॉफी। सो मम्मी फिर से चल दी है बधाई देने के लिए, भाभी आ रखी है मार्केट में। हाँ और बाय, जल्दी आना टाइम से। हम लोग आ चुके हैं पेपर देके, हमारे पीछे सब दिख रहे होंगे आपको। हाय लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब कैसे गया पेपर? पेपर हाँ। पेपर जैसा पेपर जैसा पेपर जैसा। अच्छा मेहता जी आपका कैसा हुआ पेपर? आपका कैसा हुआ? तो टॉपर है, टॉपर लोग का अच्छा ही होता है। और टॉपर हमारे क्लास के आ रहे हैं। हाय गाइस कैसे गया पेपर? सो हम लोग बैठे थे यहाँ पर, और ये हमारी लाइब्रेरी है कॉलेज की, और ये दो सर थे जो हमारा एग्जाम ले, ये हमारे एग्जामिनर थे। सो या बस यही था, हमारा सारा क्लास जा रहा है आगे। हाँ अभी सबका पेपर ख़त्म हो रहा है, हमारा रास्ता वहाँ से बंद किया है पता नहीं क्यों। और ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, और यहाँ से जा रहे हैं, ये पूरा बास्केटबॉल कोर्ट है चीन चीन, और यहाँ से सब आ रहे हैं और यहीं छेद से जा रहे हैं सब। अंदर हमें अलाउड नहीं है शायद, पता नहीं क्यों क्यों इलेक्शन किससे। आज हम लोग जा रहे हैं ये वाली दूसरे साइड, कॉलेज के दूसरे साइड। पहले हम जाते थे वहाँ से और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। ये हमारा वो खुल गया है, ये कॉमर्स वाला है शायद, है ना कॉमर्स वाला खुल गया, पहले टी सेट था कॉमर्स का। प्रकाश पंत वाणिज्य संकाय भवन, और ये है ग्राउंड, यहाँ सबकी क्लास मतलब कोई दौड़ रहा है कोई कुछ कर रहा है। बाय। तो यहाँ से गई संगीता और संगीता का भाई, हाय। अब अच्छे हम दोनों, और हम दोनों भी जा रहे हैं, हम दोनों थोड़ा यहाँ से घूम के। और ये है दाढ़िम का पेड़ देखो। बाय बाय।
क्लास के सब लोग जा रहे हैं और ये तिमला उनका तिमला लगा ये देखो ये तिमला है ना तिमला ही फिग हाँ वही तो नहीं नहीं तिमला नहीं क्या कहते हैं फिग को गाइस कमेंट करो क्या कहते हैं इसे तो ये उसका पेड़ लगा हुआ है अंजीर हाँ अंजीर ये तो कहते हैं हाँ अंजीर लगे हुए हैं ड्राई फ्रूट और ये लगे हाँ मार्केट में कितना महंगा मिलेगा और यहाँ पूरे पेड़ों में लग रखा है और इसके दाने भी लगे हैं ये किड़मोड़े ये पकड़े गाइस देखो किड़मोड़े ये हमारे उत्तराखंड का वो है जैसे काफल है वैसे किड़मोड़े भी एक लोकल फ्रूट है ये देखो इसको खा गए बाय यहाँ पे कितने सारे लगे हुए हैं ये पके जो ये होते हैं ना वो पके हुए होते हैं काले काले खट्टे होते हैं और हल्के खट्टे हल्के मीठे भी होते हैं जो एकदम पक जाते हैं वो हल्के मीठे होते हैं किड़मोड़े का पेड़ है इसके सारे लगे हैं यहाँ पर तो ये है किड़मोड़े आपको भरोसा नहीं होगा कि इसको खाते नहीं खाते तो मैं खा ही लेती पकड़े ना ये हल्के से थोड़ा ब्लैक नहीं खट्टे खट्टे हो रहे थोड़े से अभी सीज़न आ ही रहा है क्योंकि किड़मोड़ों का इसलिए थोड़े से खट्टे हो रहे हैं और बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं इसको नमक मिर्ची के साथ लगा के बहुत टेस्टी होता है ना तो ये दूसरा साइड हमारे कॉलेज का इस साइड पे छोटी छोटी सी दुकानें हैं अभी हम मेन गेट की ओर को जा रहे हैं तो ये वाला एरिया आपको दिखा रही हूँ यहाँ देखो छोटी सी दुकानें हैं होटल्स हैं इस साइड समोसे खा रही है समोसे तो यहाँ से एक रोड जाती है शॉर्टकट जहाँ से हम जाते हैं घर को एचओली को हाँ धोबी घाट वाली रोड जाती है यहाँ से तो यहाँ एक छोटी सी दुकान है जिसके अंदर कुछ लकड़ी का सामान है और ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ का ये है पोस्ट ऑफिस छोटी सी दुकान यहाँ पर भी है और यहाँ पर पानी पूरी वाले भैया हैं जहाँ हमने एक दिन खाया था उसके बाद हमने कभी नहीं खाया इसलिए नहीं खाया क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा गीला है उस दिन में बड़ी मुश्किल से खाया मतलब छोड़ दिया था उन्होंने 5 मिनट छोड़ दिया था मतलब इतना गंदा बना रहे थे यहाँ रखी है मैंने स्कूटी और ये कॉलेज का दूसरा वाला गेट है जहाँ से हम निकले वो दूसरा था और यहाँ पर छोटी सी दुकान है मेरी स्कूटी प्यारी सी है यहाँ से मैं जाऊँगी डायरेक्ट कोचिंग को कोचिंग में आपको डायरेक्ट मिलते हैं और यहाँ से हम मिलते हैं अगले दिन 15 तारीख को 15 को हमारा दोबारा से लास्ट पेपर है ना और फाइनली आई एम हियर इन द कोचिंग और अभी क्लासेस चल रही हैं मेरी क्लास अभी है अभी 5 बजे नहीं तो 5 से मेरी क्लास एक क्लास की छुट्टी दी थी कि मुझे पता था कॉलेज से लेट हो जाएगा 4 से 5 वाले उधर देख रही हूँ आपको बस फाइनली मैं घर आ चुकी थी और घर आके फिर से बैटरी लो गई घर आके मैं बस घूमी हूँ इधर से उधर आई मीन जस्ट वॉक कर रही थी घर पे और अभी मैं खा रही हूँ दाल चावल बहुत दिनों से दाल चावल नहीं खाया था क्योंकि बहुत दिन से नहीं मतलब 1-2 दिन से शायद नहीं खाया था और आज मैंने दिन में भी नहीं खाया था क्योंकि 12:30 बजे चले गए थे 12:30 बजे कौन ही खाता है तो इसलिए फिर यहाँ आके अभी मैं रात में ही खा रही हूँ दाल चावल मैं सोचा चलो रात में खा लेती हूँ और आज बनाई थी मम्मी ने कढ़ी इसीलिए सो या रात में खा रही हूँ मुझे इतना पसंद है क्या बताऊँ इसीलिए आई होप आपको आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा मैं खाना खाते खाते ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं भी ब्लॉग एंड करने वाली हूँ आई होप छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा ऐसे ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और यहाँ मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में तब तक लेता बाय टेक केयर बाय बाय।